देखो कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन कईयों को ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। जिस व्यक्ति के मन में यह ख्याल आ जाए मुझे अपलायन की जरूरत नहीं है, या गुरुजी रहन दो अभी मैं कर लूंगा, समझ लो ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया। अकेले छप्पर उठाने के चक्कर में कई बार छप्पर के नीचे दबे मिलते हैं, फिर आवाज भी नहीं निकलती, निकाल लो, रह गया फिर वही। इस पर भी कहानी किसी ने तो सुनाओ यार, मुझे उधर ही रहना पड़ता, सॉरी सॉरी। हेलो, गर्मी का टाइम आया था तो एक बंदे की मैडम ने बोला कि जाओ गर्मी शुरू हो गई, मटका ले आओ बाजार से। तो गया बंदा दुकान पे मटका लेने के लिए, मटका वाले से पूछा भाई मटका कितने का, तो एक बताया 100 का और एक बताया 500 का। बोला इतना रेट में डिफरेंस? बोले सर 100 वाले की गारंटी नहीं है घर तक पहुंच जाए, लेकिन 500 वाला बिल्कुल दमदार है। बोला कैसे? तो उसने डेमो दिया, उसका ऐसे मटका लिया हाथ में और ऐसे छोड़ा और वो टूटा नहीं। बोले ये तो तगड़ा है। बोले यही वाला दे दे, 500 वाला लेके आया। और दुनिया की हर महिला को लगता है मेरे पति को तो दुनिया ठग लेगी, कन्फर्म जरूर करती है कितने का लाए, कैसे लाए, है ना। तो आ गई मैडम पूछने, ले आए मटका? बोले हाँ। कितने का लाए? बोले 500। 500 का? बंदा डर गया एकदम, बोले साला ज्यादा ही ठग गया क्या मैं? तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया डेमो देने के चक्कर में। नहीं नहीं ये बहुत खास मटका है। बोले क्या खास है? अरे मैं दिखाता हूं देखो इसमें क्या खास है। और उसने ऐसे मटका लिया और ऐसे ऊपर टांग दिया और वहां से छोड़ा, डम से नीचे टूट गया। अब मैडम मटका को देख रही, बंदा मैडम को देख रहा, कहीं इसमें से उठा के कुछ ना मारे मुझ में। मटका वाले के पास गया, भैया वो तो टूट गया। बोले कहां से छोड़ा था आपने? बोले मैंने ऐसे टांग दिया था। बोले नहीं फीचर यहां तक का था, वहां तक का नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया वो। हेलो, टीम वर्क का काम है ये, किसका है? तो जहां जरूरत पड़े आप अपलाइन को याद करिए, मिलजुल के ही बड़ा काम होने वाला है। क्रेडिट की इतनी भूख मत रखो कि सारी माला मुझे ही मिलनी चाहिए, वो बाद में देखी जाएगी चौराया किसके नाम से बनेगा, अभी फिलहाल काम होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना?